लिवरी जलाने भर का तेल भी नहीं घर में। बड़ी महारानी आई है, अब ऐसा हुआ नहीं कि तुरंत जोर चाहिए। बैठे बैठे मक्खी मारने से थोड़ा ही चलेगा, घर का कामकाज भी तो है। अकेले तुम ही तो काम करती हो, बाकी सब। ए लक्ष्मणिया, तनी किरासिन हो गए रे। कहाँ है किरासिन? क्या हुआ, मिला किरासिन? हाँ, सोच समझ खर्चा करना, साला किरासिन नहीं अमृत हो गया। घर है कि राक्षस का पेट, जितना डालो छान भर में गायब। रे नौरंगिया कमाई, कब से बोलता है रे कि तनी तमाकू भर दे, सुनाता है कि नहीं तुमको? दिन भर बैठे बैठे लाट साहब का हुक्म चलाता है, छन भर का फुर्सत नहीं इस घर में। पानी पड़ेगा बहू, जरा चिलम बढ़ा दे। अभी तलक नहीं लौटा, पता नहीं कहाँ हुआ उसे। एसडीओ साहब से मुलाकात हुआ कि नहीं, ये भी मालूम नहीं। हमने तो बार बार बोला भाई किसी को साथ ले लो, पर राम नरेश किसी की सुने तब ना। चारों तरफ आग लगा है। अरे तो इसमें इतना भचर भचर करने का कहा है? मुखिया एसडीओ से देखा करने गया है तो देखा करके चला आएगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हें कहा मालूम? लगता है वो किसी झमेले में फंस गया। मैं काका से बोला कि मुझे भी साथ में ले चलो, बाकी वो किसी का सुने तब ना। बुझाता है कि पुलिस है। चलो उतरो सब। कहाँ, किस तरफ? उधर चलो। ना पुलिस ना बाबू, लोग टोली पे चढ़ बैठे हैं। सिर्फ नंदन को तो हम अपना नीच का आंख से देखा। हम पहले ही बोला था कि सर्वनाश होगा। कहां है साला हत्यारा लोग? आज रात किसी को नहीं छोड़ेगा। सब लोग कान खोल के सुन लो, हत्यारे को चुपचाप सौंप दो, नहीं तो आग लगा के बस्ती को एक मिनट में राख कर दो। मारो साला! कहा है रे नारंगिया और उज्जहरा चमार? हे भगवान, अरे नारंगिया निकल बाहर। भाग जा, भाग जा। कैसे? तू भाग जा, तू बूढ़ा बुढ़िया को वो कुछ नहीं करेगा। अरे निकल, भाग जा। नहीं तो नेतागिरी अभी गांव में घुसा दूंगा। पेट से है बेटा, तू दोनों भाग, भगवान हमारा रक्षा करेगा। बेटा तू भाग जा, भाग। रक्षा करो भगवान। चल चल रमा। चल 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 जल्दी निकल।
अरे कहाँ गया साहब? बुझाता है जंगले से कूद के भाग गया। भाग गया? बुढ़ा कहाँ गया? निकाल साला बुढ़ा को बाहर। चल चल साला बाहर, चल बाहर, चल चल निकल। हट, छोड़ दे इसे, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे बुढ़ा, तेरा बेटा कहाँ है रे? अरे नारंगिया, अरे घरवाली के अचरा में मुंह छुपाता है रे, बाहर निकल भगोड़ा। बेटा को भगा दिए साला, लगा दो आग, लगा दो। जाने दो, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मुन्ना, मुन्ना, मेरा बच्चा, मुन्ना। चलो, सब लोग मंदिर के अंदर घुस जाओ, चलो, जल्दी जाओ, चलो, सब मंदिर के अंदर। अरे भाग, अरे जहर, अरे एकदम भाग जाओ, अबो, भाग, भाग चल, अब कहाँ जा? इधर इधर, जल्दी जल्दी आ, जल्दी ता है साला लोग इसी के अंदर छुपा है। साला लोग निकल बाहर, घुस जा सब भीतर, खींच के निकाल साला लोग को सब बाहर। नहीं नहीं, काली माई का चौरा है मालिक। तो क्या हुआ, सब बदमाश लोग अंदर घुस के भ्रष्ट करता है, निकालो साले को, काली माई खुश होगी। चल 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 सब भीतर चल चल चलो चलो, ठीक है ठीक है, तुम यही खड़ा रहो, टारच मत बुताना। बिल्ली होगी, मुझे भी ऐसा लगा कि पास में कहीं गोली चल गई हो। नींद में ठीक समझ नहीं पाई मैं, वो लोग यहां भी तो नहीं आएगा? कोई ठीक नहीं, आ भी सकते हैं, यहां ज्यादा देर ठहरना खतरे से खाली नहीं होगा। अंधेरे में कुछ सुझाता भी नहीं था, जिसको जिधर मिला उधर भागा। जहरा और 5-6 लोग नदी पार कर गया, हम खेतों खेतिया भाग गए। एक तो अंधेरा, ऊपर से इसके पेट में बच्चा, ठीक से दौड़ भी नहीं पाती थी। पता नहीं अम्मा बाबू का क्या हुआ, उधर हम पिछवाड़े पहुंचे भी नहीं थे कि घर में भग से आग लग गया, पूरा बस्ती फूंक दिया। आगे आगे शिवनंदन था, दरवाजा पर आकर इनका नाम लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुखिया जहरा और इनको छोड़ेगा नहीं, ये लोग जान से मार देगा, छोड़ेगा नहीं। डरो नहीं, घबराने से काम नहीं चलेगा, लेकिन तुम दोनों का यहाँ रहना भी तो निरापद नहीं, आज रात ही को यहाँ से चले जाना पड़ेगा। प्रकाश जी को याद है ना, उनके श्राद्ध में आए थे? हाँ। तुम दोनों उन्हीं के पास चले जाओ, मैं उनके नाम एक चिट्ठी लिख देती हूँ, बैठो।
पक्की रोड से मत जाना, पिछवाड़े वाले जंगल से होकर निकल जाना। उसके बाद बरम बाबा वाली मोड़ से बस पकड़ लेना, भोर वाली बस। अच्छा। शाम तक वहां तुम लोग पहुंच जाओगे। राम नरेश जी गांव में नहीं थे क्या? ना, वो तो दोपहरिया में ही चले गए थे एसडीओ को देखा करने। वो रहते तो पहले उन्हें मारते। सबसे पहले तो उन्हीं का घर जलाया। आदरणीय प्रकाश जी, सादर प्रणाम। दो अभागे लोगों को आपके पास भेज रही हूँ। मौत के मुंह से निकलकर आए हैं ये लोग। सारा कुछ यही लोग बताएंगे। विस्तार से लिखने का अभी समय नहीं है। इनके लिए निरापद आश्रय का कोई ठोर आप कर देंगे, इसी विश्वास के साथ आपके पास भेज रही हूँ। आपके मित्र इन्हीं के अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। निस्वार्थ भाव से अपने जीवन के अंतिम दिन तक वे इन्हीं के लिए संघर्ष करते रहे। अपने लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, आपको तो सब पता ही है। रख लो, जरूरत पड़ेगी। ठहरो। लो ये रखो। चलो संभल के। जल्दी घेर लो उधर, चलो फॉलो मी। लेने दो, एकदम चला। अरे सांस लेने का एकदम टाइम नहीं है, देख भोर होने वाला है। मोड़ पर से सवेरे वाला पहला बस पकड़ना है, चल। सर लोग आए हैं, बताओ इनका। कहाँ बताएंगे,
ये घर जलाकर राख कर दिया। हमारा लड़का और मरद का तो पता ही नहीं चला। हमको काहे नहीं मार डाला? हद है, पूरी की पूरी बस्ती जलकर राख हो गई। 17 लोगों की जान गई है और आप कहते हैं कि आप लोगों को कोई खबर भी नहीं मिली? पुलिस यहाँ 7 घंटे बाद पहुंची। नहीं मैडम, सचमुच कुछ पता नहीं चला। दिस इज स्ट्रेंज, 2 मर्डर्स इन 2 वीक्स। ऑब्वियसली देयर वाज टेंशन इन द विलेज। यू डिड नॉट इवन थिंक इट नेसेसरी टू अरेंज फॉर अ पुलिस पिकेट? दिस इज अनपार्डनेबल। नहीं मैडम, 2 रोज पहले हम यहाँ आए थे, अरेस्ट भी किए। अरेस्ट किए हैं? जी हाँ। लेकिन निर्दोषी को? मुखिया जी, सब ठीक हो जाएगा। आप गवाहों को बुलाइए और आप FIR दर्ज कीजिए। इट इज एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव दैट वी गेट बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ दीज पीपल। आप अपना आंख से देख लीजिए हुजूर, लोग भाग भाग के मंदिर में शरण लिए थे, उसके बाद ही सब मार काट। इट्स ghastly, इट्स atrocious। खामोश, खामोश, आगे मत बढ़ो, चुप रहो, आगे मत बढ़ो, पीछे रहो, पीछे हो, पीछे हटो। अरे भैया शांत रहो, शांत। चलो इधर इधर, चलो। अरे सर, क्या इनको चुप कराओ? बात सुनो हमार। पीछे। अरे दामोदर, इनके बात करने दोगे कि नहीं? अपना हल्ला छोड़। देखिए, स्पॉटलाइट का फोटोग्राफर हूँ मैं। पीछे। आप इस तरह से हमको रोक नहीं सकते। देख, शांत रहो इनको। चलो, थैंक यू। शांत रहो, शांत रहो। अरे शांत रहो, हमका बात भी करने दोगे कि नहीं? हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, ये हमारा अटल निर्णय है कि जब तक मुख्यमंत्री जी यहां नहीं आते, यहां से कोई लाश नहीं हटेगा। चुप रहो, चुप रहो। अरे ये क्या पागलपन है? चुप रहो। सुनिए, ये बात करती है। सुनिए, शांत हो जाइए आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी जानकारी हम दे चुके हैं, आप लोग मेहरबानी करके शांत रहिए। हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन हमारी मजबूरी को भी आप लोग समझिए। मुख्यमंत्री जी बहुत ही जरूरी काम से दिल्ली में अटके हुए हैं। जब तक मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ नहीं आते, एक भी लाश यहाँ से नहीं हटेगा। उनको अपनी आंख से ही सब देखना पड़ेगा। खामोश, 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 खामोश। आप लोग मेहरबानी करके शांति से मेरी बात सुनिए। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के पशुपालन मंत्री माननीय श्री निरंजन शर्मा जी, जो आपके क्षेत्र के विधायक भी हैं, कुछ ही समय में यहाँ पहुँच सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो मुख्यमंत्री जी चाहिए। सुनिए सुनिए, हम लोग वायरलेस से संपर्क बनाए हुए हैं, अभी भी चले आएंगे। पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आपको घबराने की कोई बात नहीं। अपराधी कभी बच नहीं सकते। मैं आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बतलाना चाहता हूं कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। इस कोयरी गांव में हर धर्म, हर जाति, हर वंश, हर समाज के लोग पहले से आपस में मिलजुल कर शांति से रहते आए हैं, लेकिन अचानक ये दुर्घटना कैसे घटी, क्यों घटी, ये सोचने की बात है, समझने की बात है। अब यह बात
पानी की तरह साफ हो चुकी है कि कुछ असामाजिक तत्वों का कारस्थानी है। ये लोग नहीं चाहते, ये विरोधी दल के लोग नहीं चाहते कि हमारे गांव के लोग शांतिपूर्वक रहे। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में अमन चैन रहे। ये लोग नहीं चाहते कि हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। इसलिए अब यह समय आ गया है कि हम लोगों को इन तत्वों को अच्छी तरह पहचान लेना चाहिए, ताकि फिर कुछ ना हो जाए जैसा कि कल रात हुआ था। मुझे यह बताया गया है कि इस गांव के नौजवान लोग गांव छोड़ के चले गए, लेकिन क्यों, किस लिए? मैं आपको इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। मैं, यह हमारा दायित्व है कि इस गांव में लोग शांति से गुजर बसर कर सके। इसलिए हमारी अपील है कि जो लोग इस गांव को छोड़कर चले गए वो लोग फिर से यहां वापस आए और शांति से गुजर बसर करें। हमारी पुलिस यहां मौजूद है, वो हमारी सहायता करेगी। इसलिए मैं आप लोगों को और ये भी वचन देता हूं कि मुख्यमंत्री जी के राष्ट्रकोष से कल जो लोग घायल हुए हैं या जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को उचित अनुदान दिया जाएगा। सरकारी सूत्र के अनुसार मृतकों की संख्या 16 तक पहुंच गई है। अनाधिकारिक सूत्रों का दावा है कि कुल मरने वालों की संख्या किसी भी हालत में 26 से कम नहीं है। राज्य पशुपालन मंत्री श्री निरंजन शर्मा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा SP ने घटना स्थल तक निरीक्षण किया है। प्रति प्रभावित सरकार परिवार को सरकार ने 5,000 रुपया जुर्माना देने का भी आश्वासन दिया है। सशस्त्र पुलिस टुकड़ियां, सरकार कहा बोलता है, जिस परिवार के लोग मारे गए हैं उस परिवार को सरकार 5,000 रुपया हर्जाना देने जा रही है। तो हम गांव ही चले जाते हैं, पता नहीं माँ बाबा का क्या हुआ होगा, बहुत चिंता लगा उनके लिए। नहीं, गांव तो नहीं जाना, मार डालेगा तुमको वो लोग। आप इसको समझाइए ना जरा। चुप। बाबू हरि सिंह को खत्म करने का बात, इसको वो लोग जिंदा नहीं छोड़ेगा, आप बुझाइए ना जरा। गांव की स्थिति अच्छी नहीं है, अखबारों से तो पूरी सच्चाई का पता चलता नहीं। बैठो तुम लोग, मैं आता हूं अभी एक मिनट में। लो तुम लोग चाय पी लो। तुमको हमारा खिरिया, गांव जाने का बात तो सोचो भी मत। तुम्हारे माथा में कुछ है कि नहीं? सब उसके सामने बोलने का क्या जरूरत? जहां तक मैं समझता हूं, तुम लोगों के लिए गांव वापस जाना सुरक्षित नहीं होगा। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की होती जा रही हैं कि मैं ये पता लिख देता हूं। कलकत्ता के पास पहुंचकर किसी को यह पुर्जा दिखाओ। तुम पहुंच जाओगे। जगदीश तिवारी नाम है उनका, 20 साल से हैं वहां पर, जूट मिल में काम करते हैं, हमारे अच्छे परिचित हैं। कलकत्ता? हाँ, तो क्या हुआ? अपने बिहार के लाख लोग हैं वहां, जाओ काम करो, पैसा मिलेगा, इसमें डरने की क्या बात है? एक बार जाओ तो सही, हो सकता है वापस आने का नाम ही न लो। टाइम से काम, पूरा पैसा। अरे हाँ, तुम्हारे पास पैसा वैसा है कि नहीं? हाँ, भगवान भला करे मास्टर एनजी का। देखो गाड़ी 5 बजे की है, कल सुबह तक तुम कलकत्ता पहुंच जाओगे। आ गया रे, चलो उठो। चलो कहाँ चलो, हम नहीं जाएंगे कलकत्ता में, हम किसी को जानता पहचानता नहीं। अब फालतू वाला बात मत करो, प्रकाश जी का चिट्ठी है ना? ना, चलो गांव लौट चलते हैं। अब डर किस बात का है, सरकार बोला ना पैसा देगी। अभी सब सोचने का टाइम नहीं है, चलो चुपचाप।
अरे क्या हुआ तुमको? चलो ना, हम अपना गांव में मर जाएंगे, बाकी हम परदेश नहीं जाएंगे। बाकी हमरा का होगा? हम गांव नहीं जाएंगे, हमरा ही पेट का बच्चा का कहा होगा? हमको हमरा बच्चा चाहिए। चलो ये बुधवा का बाप तुम्हारा मती एकदम से मारा गया करे, वो लोग तुमको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। फिर हमरा कहा होगा, हमरे बच्चे का कहा होगा? अरे कहा हो गया तुमको? अंदर चलो, रेल छूट जाएगा। चलो मुंगेर जिले के कोयरी ग्राम में कल रात एक भयानक हरिजन हत्याकांड में 16 हरिजनों के मारे जाने की खबर है। मृतकों में 9 औरतें भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायलों की संख्या 30 बताई जाती है। गांव के नौजवान मर्द और औरतें गांव छोड़कर पलायन कर गए हैं। इस निर्मम हत्याकांड का कारण? कारण क्या है? कोई नया कारण थोड़े ना है, वही कारण है जिसके वास्ते असंख्य लोग का खून होता रहा है, उनका गांव जलता रहा है, उनका औरत लोग के साथ बलात्कार होता रहा है। कारण है मांग, कोई बड़ी मांग भी नहीं थी, यही मांग थी कि जो मजूरी सरकार हम लोग के लिए तय किए हैं वो मजूरी हमका दी जाए, बस। हत्याकांड के 2 दिन बाद हमारे संवाददाता घटनास्थल पर पहुंचे तथा गांव के मुखिया और अन्य लोगों से मुलाकात के आधार पर घटनाक्रम संबंधित ऐसे तथ्यों का पता लगाया जिनसे आप लोग तो जानते ही हैं। सरकार हमारे लिए एक मजूरी तय किए थे और मालिक लोग हमसे बहुत कम दाम पर मजूरी खटा रहे। हम सब लोग मिलकर शांतिपूर्वक मांग किए कि हमका जायज मजूरी दी जाए। राय परामर्श के लिए हम लोग अपने मास्टर जी के पास गए। सारा गांव जानता है कि मास्टर जी कितने ईमानदार सच्चा नाती थे। सरकारी विधान के अनुसार एक हलवाहा मजदूरी के रूप में 250 अनाज तथा बटाई पर 15 कट्ठा जमीन का हकदार है। मालिक लोग इतना देते भी कहां, 100 अनाज देते हैं, वो भी सारा गला देखकर। और बटाई का जमीन तो ये कोयरी गांव में कोई हलवाहा को 3 कट्टा से ज्यादा मिला नहीं आज तक। भाई तभी तो सरकार को कानून बनाना पड़ा। तुम कोई पागलों जैसे मांग थोड़े ही कर रहे हो, तुम तो वही मांग रहे हो जो कि सरकारी कानून में लिखा हुआ है। फिर मालिक लोग क्यों नहीं देंगे भला? मास्टर जी मालिक लोग हम लोग का बात मान लेंगे का? मानना ही पड़ेगा उनको, सरकार ने ये तय कर लिया। कोई भी मालिक देश के कानून का उल्लंघन करने के लिए स्वतंत्र थोड़े ही हैं। चलिए चलकर बात कर लेते हैं उनसे। मास्टर जी बाबू हम हरिजन लोग से बात करेंगे का? आप ही बात कर लीजिए ना। क्यों नारंगिया? ठीक है मैं ही जाऊंगा। तुम लोग उत्तेजित एकदम मत हो राम नरेश, हम लोग किसी न किसी निर्णय पर अवश्य पहुंचेंगे। चलो सरकारी कानून के मुताबिक मास्टरों की तनख्वाह बहुत बढ़ गई है। हाँ वो तो बढ़ गई है। क्या आपको वो तनख्वाह मिलती है जितने पर आप दस्तखत करते हैं? सरकार का काम है कानून बनाना, तो सरकार कानून बना देती है, लेकिन कानून लागू होता है या नहीं होता है ये देखना भी सरकार का काम है। ठीक, लेकिन देखता कौन है? सरकार सिर्फ उतना ही देखता है जितने में उसका अपना फायदा है। अब अगर हम सब कानून लागू करने लगे तो आप ही बताइए मास्टर जी काम कैसे चलेगा? मास्टर जी प्रणाम। राम राम भैया। क्या कहूं मास्टर जी, आपको तो मालूम ही है किसानी में अब कुछ रखा नहीं रहा, घाटा ही घाटा। कोई एक समस्या हो तो बताओ। अब तो सोचता हूं जगह जमीन बेचकर छुट्टी करें, एक छोटे मोटे ठेकेदारी है अपना दाल रोटी चल जाएगा। बड़े सवेरे सवेरे मास्टर जी, कोई बड़ी समस्या है क्या?
अरे मास्टर जी गरीबों के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। मास्टर जी ये नीच लोगों के चक्कर में आप क्यों पड़ रहे हैं? आप ब्राह्मण हैं, उच्च कुल के आदमी, पढ़िए पढ़ाइए, ये सब खेत हल हलवाहा इनके चक्कर में आप बेकारे ना पड़ते हैं। मास्टर जी आप गांधीवादी हैं? गांधी जी बड़ा अच्छा अच्छा बात बोले थे लेकिन ये सब अच्छा अच्छा बातों को कोई सुनता है? आप तो दुनिया भर का खबर रखते हैं, आप जरूर जानते हैं चारों ओर क्या हो रहा है। सब नीच जात के लोग जब मन में आता है फसल लूट लेते हैं, यूनियन बनाते हैं, गला भी काटते हैं, गला भी काटते हैं। उनको जाकर आप क्यों नहीं समझाते कि आप चाहते हैं कि गांव में खून खराबा हो जाए और फिर दंगा फसाद पुलिस थाना ये सब हो जाए? मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। वाह वाह, हिंसा हिंसा को ही जन्म देती है। शक्ति प्रदर्शन या हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन ये पवित्र विचार आज कौन मानता है मास्टर जी? मास्टर जी आप ये सब नीच जात को ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए। आप तो जानते ही हैं कि मैं जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता। लेकिन हम करते हैं। राम राम भाई साहब, मैं साइड पर जा रहा हूं। नया खून है उसकी बात जाने दीजिए, लेकिन आज जो हमारे दरवाजे पर आए हैं मास्टर जी, तो आपकी बात तो हम नहीं टाल सकते। कुछ न कुछ तो जरूर बढ़ा देंगे, मगर वो सरकारी रेट तो। समय काल बहुत खराब है मास्टर जी। कल से कोनो काम पे नहीं जाएगा। मास्टर जी कह दिए हैं कि हम संघर्ष करके मांगे मनवाएंगे। संघर्ष करेगा? मास्टर जी बोल दिया और राम नरेश चिल्ला दिया। अरे काम पर नहीं जाएगा तो खाएगा का? अषाढ़ का महीना, रोपनी का टाइम, अभी काम बंद करेगा तो सारा गांव का भूखा मरेगा। मास्टर जी कुछ गलत तो नहीं बोले थे? जुलम तो मालिक लोग करता है। अरे सरकार का कानून तो मालिक काहे नहीं देगा मजूरी? मास्टर जी यही तो समझा रहे थे बाबू लोगों को। हजार हो है तो हमरे मालिक लोग, जिंदगी भर जिनका रोटी खाया उनका साथ नमक हरामी, आज रोपनी का टाइम में काम बंद इच्छित नहीं। मालिक सरकार से ऊपर तो नहीं ना है कि सरकार का कानून भी नहीं मानेगा? तुम खाली देखो, हम दो दिन नहीं जाते फिर क्या होता है? कान खोलकर सुन ले बहू, सर्वनाश का घड़ी आ रहा। मास्टर जी तो कभी हल्का मुट्ठी पकड़ा नहीं, उनको रोपनी भी नहीं करना पड़ता, खट के हम लोगों को ही खाना पड़ता है। हाँ, ये है हमारा देश भारतवर्ष। उत्तर में हमारा प्रहरी है विशाल हिमालय, गर्व से सर ऊंचा किए हुए। बच्चों तुम अपनी अपनी कॉपी में इस मानचित्र की नकल कर लो, मैं अभी आया। नमस्ते। क्या बाबू हरि सिंह मुझसे कहते मैं ही आ जाता। आओ आओ मुंगेर के महात्मा, आपको पता है कि नहीं कि आज से कोई मजदूर काम पे नहीं आ रहा? हाँ मुझे पता है, लेकिन ये पाठशाला है, स्कूल का समय समाप्त होने दीजिए, मैं जा रहा हूँ, सारी बातें मैं समझा दूंगा। इन लोगों को भड़काने से पहले आप हमें सारी बातें समझाने नहीं आए? आपने क्या इन लोगों का ठिकाने रखा है? हरि बाबू सारी बातें मैंने कल ही खुलासा कर दी थी। आप तो जानते हैं ये सादे सीधे गरीब लोग हैं, इनको तो ये भी मालूम नहीं था कि सरकार ने इनके लिए क्या मजदूरी तय की है। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि आप लोगों ने अपना सब काम छोड़ के लीडरी शुरू कर दी है? कोई चुनाव लड़ रहे आप? नहीं तो अपनी मास्टरी छोड़ के हरिजनों की नेतागिरी क्यों पकड़ रहे? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने आदर्श पर खड़ा हूँ। वाह वाह, अंदर जाओ। तो ये आपकी शिक्षा है कि वे काम बंद करें और हमारी परेशानी बढ़े? वाह, गांधीवादी आदर्श यही है।
हरी बाबू, आप ये बात समझने की चेष्टा कीजिए, ये शांतिपूर्ण हड़ताल है। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तो इतिहास भी पढ़ चुके हैं, आप तो जानते हैं कि हमारे देश के शूद्र हजार सालों से अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए काम बंद करते आए हैं। ये कोई नया या अजूबा कुछ भी नहीं। बस 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 बस, बहुत हो गया। अब आप हमें हिस्ट्री मत समझाइए। ये जो हमारी फसल का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई क्या आपके बाप आकर करेंगे? इसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी मास्टर जी। खेतों में काम कैसे करते हैं इसका तरीका हम जानते हैं। चलो। यहां क्या कर रहे हो? चलो सब क्लास के अंदर। अपना जनाना को हमरा जगह पर आके बैठने को बोलो, आराम मिलेगा। ओ भैया, जरा बैठने दे ना भाई। ओए बैठ। कहां तक? कलकत्ता। कौन जिला घर है? मुंगेर। कलकत्ता में कुछ काम धंधा है का? हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पहली पहल जा रहे हो का? जान पहचान कोई है कलकत्ता में? हाँ, है एक आदमी। बड़ा भारी शहर है कलकत्ता। चिट्ठी पत्री लेकर भी किसी को खोजना बड़ा कठिन है। चलेगा ना? आप भी तो कलकत्ता ही जा रहे हो ना? हाँ। कौन बिरादरी? अरे वही जिसे काम निकले वही बिरादर। सिगरेट? राम नरेश जी, हमारे पास खबर है कि आंदोलन के कारण मालिक लोग सही मजदूरी देने लगे थे। हाँ, केवल एक महीने के लिए, क्योंकि पंचायत का चुनाव आ गया था। उसका बाद बाबू भोला सिंह चुनाव हार गए। जी छोटा मत कीजिए, हर जीत तो चुनाव को इस खेल में लगा ही रहता है। नमस्ते हरि बाबू। नमस्ते। एसडीओ साहब नहीं आए? आए, बैठिए। अभी तक नहीं आए। छी छी, हरिजन प्रधान, ये तो शर्म से डूब मरने की बात है। मगर ये हरिजन प्रधान बना कैसे? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? हलवाई सरकारी रेट पे मजदूरी मांगते हैं, भाई साहब बोलते हैं दे दो, चुनाव सिर पर है, जमेला मत बढ़ाओ, लो अब भोग लो इसका फल। चुनाव भी आ रहे और मजदूरी भी बढ़ी, और उनके मुंह में जो खून लग गया सो अलग। अब तो एक ही इलाज है, हम सब अपनी अपनी जगह जमीन बेच के मोची की दुकान खोल ले। कृतज्ञ। नमक हराम। आपको फर्क तो करना ही पड़ेगा, वरना दुनिया चलेगी कैसे? आपके निर्णय का समर्थन मैंने कभी नहीं किया, और वो हरामखोर मास्टर पर्दे के पीछे बैठकर सारा नाटक खेलता रहा। भाई साहब आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये अपमान की जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अगर कोई ज्यादा बढ़ जाए तो उसका एक ही इलाज है, ऊपर से 6 इंच छोटा कर दो। ठहरो, एसडीओ साहब आने वाले हैं। राम नरेश, अब तो तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और काम का बोझ भी काफी बढ़ गया है, और अब तो तुम प्रधान हो, पूरे गांव की जिम्मेदारी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये क्रोध त्यागना पड़ेगा, क्योंकि सारा गांव वही करेगा जो कि तुम करोगे। आपका आशीर्वाद चाहिए मास्टर जी, सब ठीक हो जाएगा। मास्टर जी सबसे पहले ये बात बोले, नहीं तो किसी का हिम्मत था। अरे किसी का हिम्मत होता भी कैसे, हरिजन गांव का प्रधान बनेगा ये बात कभी किसी ने सोचा ही नहीं। अरे हरिजन, हरिजन क्या बोलते हो, हरिजन इंसान नहीं है क्या? मास्टर जी हमको एकदम विश्वास नहीं था, ये तो आपका आशीर्वाद समझिए। नहीं नहीं राम नरेश जी, ये सब तुम क्या बोल रहे हो, अपने आप को इतना छोटा करके मत आंको। हमारे देश के संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम सब बराबर है, तुम्हारा एक वोट है तो मेरा एक वोट है, हरि सिंह बाबू का एक ही वोट है, एक ही वोट। हाँ क्यों समझा ना, तो चलते हैं भाई, बहुत देर हो गई है। अरे गणेशवा, मास्टर जी का कोहड़ा कहाँ? ये गणेशवा के खेत का है। ठीक है भाई, अच्छा चलते हैं। राम 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 राम, 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 राम। ठीक है भाई, हम कल आएंगे मास्टर जी सलाह मशवरा करने। ऊंचा से पवन डोले, झंझा की बाज बांसरिया, नैया पार लगा वो मर हजारों गहरी धारा, मंजिल का है दूर किनारा। अरे हे नैया पार लगा, अब मचल उठा है दरिया और थर थर। मास्टर जी की मौत ने सबको दहला दिया, एक ऐसा इंसान जिसको लोग भगवान की तरह पूजते थे, उसकी ऐसी मौत कोई सोचे भी नहीं थे। नौजवान लोग गुस्से में पागल थे, लोग मरने मारने पर उतारू थे। हे पागल, लाश अब कल ही मिलेगी, पुलिस ठीक से कुछ कह ही नहीं पा रही। उनका कहना है, शक है कि ये सड़क दुर्घटना है। आपका माथा खराब हो गया, आप इसको दुर्घटना कहते हैं? हाँ अरे भैया, ये पुलिस का कहना है। वो जीप गाड़ी बाबू हरि सिंह का था, वो दो जो बैठे हैं वो गवाह हैं, वो लोग निज का आंख से देखा। ये दोनों
तुमने कहा देखा वो तुम लोग पुलिस के सामने सच सच बोलोगे? अरे डरने का क्या बात है? है अरे तुम डरते क्यों हो भैया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप लोग को केवल सच कहना है। हम पुलिस वुलिस कुछ नहीं जानते, खून का बदला खून होता है। चुप, एकदम शांत। हमका न्याय चाहिए, न्याय हम लोग लेकर रहेंगे। हम पुलिस थाने पर फिर जाएंगे। काका जब से आप प्रधान बने हैं तब से एकदम से डरपोक हो गए हैं। चुप चुप चिल्लाने से न्याय नहीं मिलेगा। जो हमारा एक आंख निकालेगा उसका हम दोनों आंख निकाल देंगे। एकदम जबान बंद, ये बात कभी दोबारा मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। मास्टर जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो बार बार यही कहते थे, हिंसा हिंसा को ही जन्म देती है। अब आप लोग चुपचाप गांव वापस चलो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आपका मुखिया। आप बार बार ये कैसे कहते हैं कि ये सड़क दुर्घटना है? हम कहते हैं, पूरा गांव कह रहा है कि ये मर्डर है। ठीक है राम नरेश जी, हम भी कहेंगे कि ये मर्डर है, लेकिन अभी नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या है। अरे उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई जख्म नहीं है, गोली का निशान नहीं है, इसीलिए मैं सोचता हूं कि यह दुर्घटना ही हो सकती है। वो हमारा आदमी दशरथ अपनी आंख से देखे हैं, जीप देखे हैं, वो का झूठ कह रहे हैं का? अरे कौन मारेगा मास्टर जी को, वो तो देवता पुरुष थे, उनकी भला किससे इतनी दुश्मनी हो सकती है। आया साला हराम का। राम राम प्रधान जी। हाय 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 मास्टर जी, जैसे सज्जन इंसान को ये दुर्घटना, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। मैं भी उन्हीं के घर से आ रहा हूं। लाश मिली? नहीं। हाय हाय, देखिए मुझसे जो कुछ होगा मैं तो करूंगा ही, अगर फोन पर एसपी साहब मिल गए तो जरा जल्दी हो सकता है। हाय हाय, बड़े भले आदमी थे मास्टर जी, मैंने जिंदगी भर उनको इसी तरह देखा, चेहरे पर भोली भाली मुस्कान और उनकी साइकिल, और उसी साइकिल चलाते चलाते। हाय हाय, आप चिंता मत कीजिए, नौजवानों को जरा शांत होने को कहिए। नमस्ते दरोगा साहब, यहां का फोन चालू है। कौन है? कौन है बता दे क्यों नहीं? आ!
भागो यहां से। तक नहीं लौटा, कितनी रात हो गई। ए नौरंगिया कमाई, सो गया का? गिद्ध की नजर पड़ी है गांव पर, कोई नहीं बचेगा, सब मरेगा। लक्षण बात मत बोलो तो, खाली बचा बचा सो जाओ, आ जाएगा। चारों ओर इतना हाहाकार पहले तो कभी नहीं हुआ। बहू डिबरी बुता दे, फालतू के रासिन जल रहा है। आ गया तुम्हारा बेटा। आता हूं। फिर कहाँ चला? यहाँ बहुत गर्मी है, दो लोटा पानी ऊपर डाल ले तो जरा। तुम्हारा बेटा का मत ही मारा गया। चुप रहो ना बहू, देख तो जरा। क्या हुआ है तुमको? ये कोई नहाने का बेला है? कुछ बोलता काहे नहीं? नहीं कुछ नहीं, जा तू अंदर जा। खुदवा के बाबू, तुमको देखकर हमको बहुत डर लगता है। चारों ओर गोलमाल चल रहा है और तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा। हमसे बात करने का तुमको फुर्सत नहीं। हमरा पेट में बच्चा है। सच? हाँ, हमरा बुधवा वापस आ रहा है। हमको सपना आता है कि कुआं में से बुधवा हमको बुला रहा है। माँ हमको उठा लो, हमको गोदी ले लो, इतना तकलीफ है दर और तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता। झमेला में मत पड़ो बुधवा के बाबू। डर मत। ए, डर मत, कुछ नहीं होगा, हमार कुछ नहीं बिगड़ेगा। रोना मत, रोना बेटी मत। हाँ
आज मेरे बाप का घर होता तो साथ साथ पांच और सिर धर से अलग हो गया होता। ना ना बेटी ना, कि तुम मरना इस घर में, बाकी सब जाना ना भोगना सब। रामलाल रजिस्टर ले आओ। मालिक, एसपी साहब और दरोगा साहब आए हैं। मार डालो साले को, ओ साला दरोगा छोटा जान साला। खामोश। नो सर, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सर। भोला बाबू बहुत गुस्से में सर, आप उन्हें प्लीज समझा दीजिए। आप अभी आकर क्या कर लेंगे एसपी साहब? बस खबर मिली, मैं चला आया। जाइए थाने में, जाइए कुछ चूड़ियां लेते जाइए, कहिए कि सब लोग पहन ले। भोला बाबू, जो होना था हो गया, बट आई कैन अश्योर यू किलर्स कैनॉट एस्केप। क्या व्यवस्था करेंगे आप? हम अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, थाने में पूछताछ चल रही है, अपराधी को सजा मिलेगी। आप और आपके लोग बिल्कुल निकम्मे और नाकारा रहे, समझ गए आप? भोला बाबू, आप इस तरह से उत्तेजित होंगे तो। देखिए देखिए एसपी साहब, ये हमारी पुरानी लड़ाई है, आप ये अपने बहादुर नौजवान से कहिए वो अपनी गंदी नाकिस में ना घुसेरे। बाकी जो करना है वो हम खुद ही करने में सक्षम है। नमस्ते। रहा हौरा का पुल, पहाड़ जैसा है ना, इस पर हौरा, उस पर कलकत्ता और बीच में गंगा मैया। अरे देखती क्या, गोर लगो गंगा मैया की, प्रणाम करो। रक्षा करो गंगा मैया। अरे कुछ मांग लो गंगा मैया से। अरे भाई, कहाँ है वो आदमी जिसकी बात तुम गाड़ी में बोल रहे थे? जगह तो हमको मालूम नहीं, ये पुर्जी में लिखा है। अरे ये तो अंग्रेजी है, इतना अंग्रेजी जानता तो अभी मोटर में फुरफुर ना उड़ता की। रुको, वो बाबू से पूछता। बाबू, ओ बाबू। अरे दादा जरा देखिए ना, पता क्या लिखा है। नहीं हट्टी। इटा कौन जगह है बाबू? वो तो सियालदा लाइन है। उधर। हाँ हाँ, सियालदा लाइन। बाकी कितना दूर है वो जगह बाबू? वो तो सियालदा लाइन में है, जानता नहीं है? फालतू है। ए बाबू, कहा चमकू भाई? सब पता लगा। पता लगा? वो दूसरा लाइन है, तुम चिंता मत करो, सियालदा लाइन हमको मालूम है, बाकी अभी तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो आगे, चलो भाई। क्या भूख कुछ लगी है कि नहीं? मुंह तो सूख कर अचार हो गया।
लो भाई खा लो। चमकू भाई यहाँ आपका घर कहाँ है? दिखता नहीं ये सब घर, चार ओर बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा मकान, ये सब किसका है? कलकत्ता शहर में चमकू का घर बसागा कभी थोड़े ना है। नरोंगी भाई अब तो तुम कलकत्ता आ गए हो, इसको देखो समझो तब बुझाएगा ऐसा शहर दुनिया संसार में नहीं है। आज अब शहर है कलकत्ता। बाकी जल्दी से जल्दी वो चटकल वाला आदमी का भी तो पता लगाना है, इतना बड़ा शहर कलकत्ता में कैसे खोजेंगे? उसकी क्या चिंता है, चटकल कहीं भाग थोड़े जाएगा। कलकत्ता शहर में आया तो इसका जलवा देखो, थोड़ा मौज मस्ती करो, अपना जनाना का थोड़ा घुमाओ फिराओ, फिर चमकू तो है ही, बिठा देगा नहीं हट्टी के गाड़ी पर। अरे भाई तीन गर्मा गर्म चाय दे दो। बस ऐसा है ना, ये रहा लाट साहब का मोनूमेंट। गोरे साहब लोग का बनाया हुआ सब चीज, आज का जमाने में ये सब चीज थोड़े बनेगा। अरे नारे पगली, कौन मंदिर थोड़े है हा? इसका ऊपर चढ़ने से पूरा शहर दिखता, हौरा का पुल से लेकर चिड़ियाखाना तक। कौन जानवर का हड्डी है? हाथी का है। इतना बड़ा हाथी? अरे भाई आज के जमाने का हाथी थोड़े ही है, पुराने जमाने का है, जादूगर है भाई। अरे बीच सड़क में मरेगा क्या तुम लोग? कल सुबह वो चटकल वाले बाबू का पता लगाना ही चाहिए। जादूघर चिड़िया खाना देखकर पेट थोड़ी भरेगा। हे चमकू भाई कल सुबह नई हाथी की गाड़ी पकड़ ही लेनी चाहिए। पानी पर रहा है, आज रात को खूब जम के नींद आएगा, ठंडा है। अरे उधर क्या कर रहे हो तुम लोग? आ जाओ अंदर आ जाओ, ही जाओगे, आ जाओ आ जाओ। तरफते है अरमा, अब रात गुजरने वाले है, अब रात गुजरने वाले। Thank you.
शंकु भाई, कल सुबह हमें नैहाटी की गाड़ी पकड़ ही लेनी चाहिए। सो जाओ, पहुंच जाओगे नैहाटी। ईटागर लाइन पर है ना नैहाटी? सो जाओ, पानी पर रहा है, जवान चराना है। जाओ, सो जाओ, सो जाओ बेटा। सो रहा है मेरा बुलबुल। How West Indies finally collapsed to 140, and who would believe it with the strength of that batting lineup? सड़क पर सोया तो क्या सड़क का माल समझा साले? सावधान साला, पांच पसारे। अरे तुम लोग झगड़ा कर रहे हो भाई, आज तो मस्ती मारने का दिन है। अरे मस्ती मारो, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। तेरी निगाह हमें मर मर गए हम, तेरी निगाह हमें मर गए। अरे रेडियो पे वॉल्यूम बढ़ा दे भाई, अरे वॉल्यूम बढ़ा दे। Oh,
हाँ कारखाना तो ही है, लेकिन ये आदमी कौन है, कहां से पता चलेगा? ये क्या लट साहब का पता है कि खाली नाम लिखा और हावड़ा का गाड़ी पर चढ़ गया? कारखाना का अंदर में डिपार्टमेंट होता है, सेक्शन होता है। जाओ जाओ कूली लाइन में खोज करो, देश वाली लोग का पता उनको ही रहता है। चौथो शॉप काज नहीं कर्म नहीं, लोड़ा कंबल तुल लो और चलो कलकत्ता। ओ पीला साड़ी जहाँ सूखता है वही है जगदीश का क्वार्टर, बाकी जगदीश को तो कई दिन से देखा नहीं मिल में। जगदीश भैया घर में है? हो घर में नहीं है? अरे भौजी हम हैं गणेश, तनिक बाहर आइए ना, देखिए ना आपके मेहमान लोग आए हुए हैं सब। अरे भौजी जगदीश भैया कहाँ गए हैं? वो तो मुलुक गए हैं, यह कोई 3-4 दिन हुआ। मुलुक चले गए? कब ले लौटेंगे? कहाँ जानी भैया, पहले जाते थे तो तीसरे चौथे लौट आते थे, अब जो गए सो गए, लौटने का नाम ही नहीं लेते। कभी 3 हफ्ता तो कभी 4 हफ्ता, कौनो ठीक नहीं है उनका। हमको प्रकाश बाबू भेजे हैं, ये उनकी चिट्ठी है। प्रकाश बाबू बोले थे कि जगदीश बाबू चटकल में कौनो इंतजाम जरूर कर देंगे। चटकल मकाम? प्रकाश बाबू बोले थे? अरे बिहार में बैठ कर तो कोई भी अरकाश बाबू प्रकाश बाबू चटकल मकाम दिलाए देगा, जरा यहाँ आए तो यहाँ का हाल पता चले ना। कब कारखाना बंद हो जाएगा इसका कौनो ठीक नहीं है, और ऊपर से रोज छटनी और लकआउट तो लगा ही रहता है यहाँ पर। बाकी प्रकाश बाबू तो बोले थे कि कौन है प्रकाश बाबू, यहाँ सांझ का चूल्हा जलता है तो सवेरे के लिए मनौती मनाना पड़ता है। प्रकाश बाबू, अरे भैया बाहर का आदमी को चटकल का हाल का पता नहीं है, बहुत खराब पोजीशन है आजकल, ऊपर से रोज स्ट्राइक छटनी लॉकआउट तो लगा रहता है, कब कारखाना बंद हो जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। कुछ बुझाया आपको? ठीक है तो हम चलते हैं। सुनिए जगदीश बाबू तो उनका जिला जवार का कोई है? अरे जिला जवार का होने से आजकल कुछ नहीं होता। एक काम करो तुम चलो मेरे साथ, देखते हैं सरदार के पास, अगर सरदार कुछ कर देवे तो हैं। इनको यहीं बैठने को बोलो, डरने का कोई बात नहीं है, बैठो ही यहाँ। ए भौजी हम तो नहीं सरदार के यहाँ जा रहे हैं, ये बाहर बैठी हैं, जरा इनका ध्यान रखिएगा। चलो। अरे तुम्हारे साथ में जो जनाना है वो को कहीं भगावा तो नहीं लाया ना? नहीं नहीं ये हमारा ब्याहता जनाना है। अच्छा? हाँ हमारा ब्याहता जनाना है, गाँव में भी कुछ काम वम तो था नहीं, कभी दहाड़ तो कभी सुखाड़, जगह जमीन भी कुछ नहीं है। हमारे मास्टर है ना प्रकाश बाबू, अच्छा, वो हमको अच्छा। बहुत मानते हैं, वो बोले कलकत्ता जाओ वहाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुल्क में तेरा कौन कौन है? माँ है बाप है। अच्छा? एक तो लड़का भी था, वो 3 बरस का हो गया था पानी में डूब गया। लो हमार घर वाली तो आज भी उसे याद करके रोज दो धार रो लेती है, अभी भगवान की दया से फिर से उसका गोड़ भारी है। चलो ठीक है, पुआती महरारू अनजान देश आप ही लोगों का सहारा है। चलो देखते हैं। हमार बटवार गोड़ लागू सरदार, कार है गनसुआ, बदली वाला लिस्ट में तुम्हारा नाम आया कि नहीं रे? ना सरदार आज भी नहीं आया, मगर वो लेबर ऑफिस का जो साहब है ना वो बोले हैं कि आ जाएगा, बाकी बहुत तकलीफ है सरदार। का करेगा वो भी, का करेगा सब साला भूखा मरता है, साथ में तुम्हारा कौन है रे? आप ही का जिला जवार का है सरदार। ओ मुंगेर जिला घर बा जी सरदार। हाँ सरदार
जगदीश के पास आया था। अब क्या है कि चटकल में कुछ काम हो जाए तो बेचारा गरीब आदमी सरदार। अपने के लीरी बीरी गोतने के खीर पूरी चटकल में काम करेगा। वो जमाना अब खत्म हो गया भाई। तब तो जो कोई आया सबको कम में लगवाया। एक जमाना था जब लोगों ने गांव में भैंस चराता था दिन भर। हाँ, दूसरा दिन गाड़ी में चढ़ा, हाँ आके कलकत्ता पहुंचा, फिर गुरु का आशीर्वाद से चटकल में माकूट ठेलने लगा। हाँ। तब तो सदर का नाम था, इज्जत था। अब तो सरदार आपका आशीर्वाद से कुछ न कुछ हो सकता है। हाँ सरदार, बहुत तकलीफ में है और साथ में इसका वाइफ भी है सरदार। वाह बेटा वाह, साथ में जनाना भी। ले तेरी बीवी पर मेरा बादशाह। ये मेरा इक्का। तो हाय सरदार, हुजूर थोड़ा ख्याल कर लेते तो। हुजूर क्या ख्याल करेगा, चौटकाल को उम्मीद छोड़ा। सरदारी वरदारी का जमाना बीत गया भाई। अच्छा भाई अभी जाओ, कल सवेरे आना। हाँ हाँ चलो भाई, अभी जाओ, बाद में आना। मारो चलो भाई। तेरा चाल। ए, तुम्हारा मर्द अभी तक लौटा नहीं? वो तो उनके साथ गए हैं, हमको यहीं बैठने को बोले। चेहरा पीला पड़ गया है, लगता है पेट में दाना भी नहीं पड़ा। का हुआ रे? बैठ ले, मुंह में कुछ डाल ले। कितना महीना हुआ रे? चौथा चल रहा है। बाप रे, कैसी औरत है रे तू? पेट में चार महीना का बच्चा और सुबह से निर्जला एकादशी। बड़ा जतन करना पड़ता है रे। खा खा ले। अपने तो कर्म ही फूटे बहनी, भगवान दुश्मन को भी बांझ न बनाए। अब तो इस शरीरों में कुछ नहीं बचा। जब तक शरीर रहे डोलते रहते थे, अब अचानक गांव खेती का ख्याल आने लगा है। अब तो बात बात पर कहते हैं घर में लड़का बच्चा है, खेती बाड़ी है, उसका ब्याह शादी है। हरदम वही लोग की चिंता रहती है। गांव जाते हैं ना बहनी तो लौटने का नाम है नहीं लेते। और यहाँ जी औरत के मर्द नहीं ना, उसका दुजून रोटी भी नसीब नहीं। कोयला वेला चुन के किसी तरह से काम चल जाता है। क्या हुआ?
कितना नंबर क्वार्टर में आई है तू? ओ उधर सरदार हम को देखता है तो तू को देखता है, तुम खड़े हो जाओ, कुछ ख्याल कर लेते सरदार। चल चल, अरे हट रहे, हमको कहां रुक, हट रहे। अरे भैया आज ही तो बहुत मुश्किल है, स्लिप मिला ड्यूटी का टाइम होकर जाने दे। लेकिन हमारा लगा रहे मिल जाएगा तुमको स्लिप, तू लगा रहे वहीं पे। क्या देखता है ये साला चोट्टा, मेरा पैसा लेकर तू कहाँ चला रहे? ए रात भर दारू ढकेलेगा और दिन के टाइम हमारा पैसा पट लाट साबी करेगा। सारा दिन जांगर खटाती हूँ तो दो टू पैसा मिलता है और वो भी तू लूट लेगा। बेशरम छुट्टी, मैं तेरा पैसा चुराऊंगा? किसके पैसे पर तू गुलछुड़ा उड़ाती है रे? मिल में क्या तेरा बाप अगर मेरा बदले में काम करता है? तेरी कमाई के पैसे पर मैं यही करती हूँ। दिन भर बाबू लोगों के यहाँ रगड़ती हूँ तो चार ठो पैसा मिलता है। बाबू लोगों को यहाँ रगड़ती हूँ, साली रंडी, हमको मालूम नहीं बाबू लोगों पास क्या रगड़ती है, कहाँ से आता है तेरा पैसा, सब पता है हमको, साली रंडी कहीं की। रंडी? वह रंडी? तू हरामी का पिल्ला मुझको रंडी बोलता है? तेरी कमाई का पैसा कौन रंडी खाती है ये लाइन का बच्चा बच्चा जानता है। औरत की कमाई पर रंडी का सिंगार। मेरा पैसा असल बाप का बेटा होगा तो मेरा पैसा यह रख मिल जाएगा। साला हराम मिल गईगा, साला मुंह तोड़ूंगा साली। बाबू कब आएगा? पैसा भी सब खत्म हो गया, कल से कहाँ होगा? हमको नहीं मालूम कहाँ होगा। ये सब तेरे कारण हो रहा है, पर एक ही बात बार बार, चलो भाग चलो यहाँ से, भाग चलो यहाँ से, भाग कर तो आ गए यहाँ। कल भूखे प्यासे मरेंगे हम, और ये परदेशवा में तो कौनो मुंह में एक ठो पानी डालने को भी नहीं होगा, कुत्ता भी मुंह में नहीं मूतेगा। हमरा तकलीफ भी समझो, कोई बड़ा शौक से थोड़े ही भागे हम लोग, गांव में रहते तो क्या जिंदा बचते, और पेट में जो बचवा है जरा सोचो। जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, अपना जान बचाकर भाग आया, गांव घर माँ बाप सबको छोड़कर चोर की तरफ भाग आया, कौन मरा कौन बचा यह भी पता नहीं, ये कोई जिंदगी है? बनेला सुअर का तरह इधर उधर भागता फिरता, सिर्फ अपना जान बचाने का चिंता। छी छी, का खिड़की मचाए रखा है, इका तुम्हारे बाप की जगह है का?
देखा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। खाली गांव वापस जाने का पैसा चाहिए, हम यहां एक मिनट नहीं रहेंगे। तुझे रहना है, तू रह जा। इतना बड़ा बड़ा सब कल कारखाना, जिला जवार का इतना सारा लोग यहाँ पर, कौनो काम नहीं मिलेगा? बाबू, बाबू, ए बाबू, बाबू, क्या है रे? अब क्या मांगता तुमको? एक तो कोई काम का जुगाड़ बाबू। काच क्या गाछ के ऊपर फलता है कि भांग भांग का तुमको दे देगा? काच कम नहीं है, इधर जाओ भागो। जिस बाबू के पास आए थे वो तो मुल्क से अभी आए नहीं है, यहाँ साथ में जनाना भी है बाबू, बड़ी तंगी है, उसके पेट में बच्चा है। तुम्हारा बहू का पेट में बच्चा है तो हम क्या करेगा बाबा? हमसे क्या पूछ के बच्चे पैदा किया? काज नहीं, कम नहीं, और सलसल बच्चा। कौन पड़ता है बाबू, कोई भी काम करेगा, कोई भी काम, झाड़ू सफाई कुछ भी। काम का बात मत कर, ये कारखाना जास्ती दिन ना आई, कोबे बूंद हो तर कोनो ठीक ना आई, नीचे ने ठीक ना आई। एने 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 दूध उठाकर ना ना बाबू ने। अरे बाबा, जानवरों को खिलाओ, पेट में बच्चा। इस तरह कब तक दरवाजा जाग उड़ती रहेगी रे? तेरे मर्द को कुछ काम मिला? आज भी चटकल में गए हैं। यहाँ कुछ नहीं होगा, ये तो हम पहले ही कह दिया रहा है। जी का लिए चिट्ठी लाई है ना, उही का कौन और ठिकाना नहीं, और उही कौन बैठ के तुम लोगों को खिलाएगा यहाँ? अरे टुकुर टुकुर ताकने से का होगा, टेंशन बाजार जाओ, काहे काम नहीं मिलेगा? कुछ काम करो जाके। अपने खाने का ठीक नहीं और ऊपर से मेहमान। भाऊजी, हम जाते हैं। इतना तेज? अरे कहाँ का महारानी है रे तू? Thank you.
रमा, हे रमा, यहां लुका के कहां बैठी है रे? इधर हम तुझको ढूंढ ढूंढ के थक गए। क्या हुआ तुझको है? हम वहां नहीं जाएंगे। क्या हुआ, कोई कुछ बोला? अच्छा सुन, न जाएगी तो ना जा, ले खाना खा ले। काम मिल गया तो खाना कहां से लाया, पैसा कहां मिला? खा तू पहले खा। जतन से लगल प्रीति वासो प्रीति छोड़ाइले भगवान कोई ऊपर गईले और रो कोई नीचे गईले और बेटो भाई बता संभाला दुल्हनिया क्या प्रीति है यार भगवान। ऊपर गईले और कोई नीचे गईले बेटो भाई बस्ता संभाल दुल्हनिया। पाए लागू सरदार? हम सरदार। ओ तू, तू तुमको तो पहले ही बोला था कुछ नहीं होगा इधर। अरे सगड़ो बदले ले पहले से पड़ा है। तू चले जा, तू चले जा, चले जा घर वापस। कैसा जाए सरदार, तीन दिन हो गया पास में एक तो पैसा भी नहीं। दो तीन दिन का भी काम मिल जाता ना सरदार तो मुल्क जाने के लिए गाड़ी भाड़ा का खर्चा तो हो जाता। सरदार गांव देश का आदमी है, बहुत तकलीफ में है सरदार। आप थोड़ा सा भी ख्याल कर लेते तो, आप नहीं देखोगे तो ये परदेश में और कौन देखेगा सरदार। तुम्हारा जनाना? जी सरदार, पेट में बचुआ है। सुबह से एक दाना नहीं गया पेट में सरदार। सर आप
माय बाप सरदार, सरदार आप। अरे अरे अरे, जय राम जी की, जय राम जी की। चल वहन बात छोड़ना। अरे मोहनिया, म्युनिसिपैलिटी में कोई काम वाम खाली है कि नहीं रे? इंस्पेक्टर बाबू को बोल तो जाके कि सरदार ने बोला है बेचारा जाना ना लेकर बहुत आफत में पड़ा है। इंस्पेक्टर बहुत खजरा है सरदार, वोट का टाइम में कुछ टेम्पोरारी आदमी लिया था, बाकी अभी बोलने से कर्रा कुत्ता का माफी दौड़ाता है। अरे तू बोल ना जाके कि सरदार ने भेजा है। कौन चीला घर बा तुहार? मंगेर। कौन जात? मुसर। तरना आता है तुमको? क्या फालतू बकता है रे? ना सरदार, काल भोरे महाजन का कुछ माल उतरेगा, कुछ आदमी का जरूरत है। महाजन का माल उतरेगा तो हमारा भी धंधा पानी हो जाएगा। का भाई बोलो ना, तरना आता है कि हाँ, नहीं? हाँ, आता है। तुम्हारा जनाना उसको भी? हाँ उसको भी आता है। बासा कहाँ है? कहाँ खोजेगा महाजन का आदमी आएगा तो? बासा तो हमारा कोई है नहीं, तुम जहाँ कहो हम वहाँ आ जाएंगे। बटगा चला घाट देखा है? हाँ वहाँ ही रहो, कब माल आएगा थोड़े ही ठीक है। हाँ तू वहाँ ही रहो। हाँ साफ बात बता देता हूँ, हमारा कमीशन देने पड़ेगा, ज्यादा नहीं, माल पीछू 20 पैसा। ले ले पी ले 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 ले। चले बबुआ के टुकड़ा रे, के मैया निहारी लुक जा। बछुआ बढ़ रहा है, पेट में चलता फिरता है तो साफ मालूम पड़ता है। अंगनाओं में खेले बबुआ के टुकड़ा, बुधवा के बापू ये काम हो जाए तो गांव में लौट चलेंगे। अम्मा बाबा कितना खुशी होंगे, बहुत याद आता है उनका। ठीक का काम है ये भी तो नहीं पता। वो आदमी आएगा ना? हाँ कब आएगा का मालूम। आएगा कि नहीं? हो दारू की नशा में तो नहीं बोला ना? सरदार के सामने बोला। यही घाट पर? बरगद वाला घाट, यहाँ दूसरा कौनो तो है नहीं। अगर नहीं आया तो?
छोरा आ इधर आ, वो उधर है, आ आ सकेगा? जरूर, बहुत मजबूत मरद जनाना है, वो आगे और ये पीछे ठीक खींच लेगा। नदी पार कराना पड़ेगा, एक सुअर का बार आना। हाँ हाँ हाँ। अरे मुंह फार कर क्या देखता है, सुअर पार कराने के लिए नौका नहीं मिलता इधर, तुम ही लोगों को हाँक कर पार कराना पड़ेगा, समझे? इतना चौड़ा पहाड़, अरे ये तो बच्चा लोगों का काम है। सकेगा कि नहीं, साफ साफ बोलो। सकेगा महाजन, सकेगा, जात का मुसायर है, काहे नहीं सकेगा रे? देखो उस पर पहुंचाने ही कि हाथ में नगद पैसा। हाँ हाँ, एक दो तीन चार पाँच छह, गिनता क्या है, पूरा 36 सुअर है, माने 27 रुपया नगद। उसमें से पहले हमारा पैसा काट लेगा, याद है ना कल की बात? अरे उस पर शिव मंदिर दिखता है, यही रहूंगा मैं, अभी ज्वार का टान है, पार करने में बहुत सुविस्ता रहेगा, खूब सावधानी का काम, अगर एक भी माल गायब हुआ तो हवालत की हवा खिला दूंगा। हाँ रे मदनुआ, इसको समझा दे। मालिक एक जरा ठहरिए, ला कटरा ना, दिमाग खराब हुआ है मालिक, जरा ये अपने उधर उधर जरा ये अपने पास रख लेंगे, हमारा कपड़ा हम उस पर पहुंच के ले लेंगे आपसे, मालिक जरा संभाल के हैं। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस तैतीस चौतीस पैंतीस छत्तीस छत्तीस पूरे 36 हैं। मोहनवा का एक सुअर पर 20 पैसा, 21 22 36 का मतलब मोहनवा का 7 रुपया 20 पैसा। ठीक भी है, काम भी तो वही दिलाया, पूरा 20 रुपया। मत करो ये काम, मत करो ये काम, इतना बड़ा नदी इतना चौड़ा, इसको पार मत करो ये काम। ए, पागल हो गई है का? मत करो ये काम, कौन देगा 20 रुपया? हाँ बता। नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा, मत करो ये काम। तो भूखा मरेगी है? नहीं, भूखा मरेगी, हमसे नहीं होगा, पेट में बचवा लेकर नदी पार। अरे मरे तू और मरे तेरा बचवा, ले भाग यहाँ से, हम अकेला कर लेंगे, जा। Diva.
इधर हाथ, इस तरफ, इस तरफ। हाँ, दीवा, अरे बाप रे, अभी इतना और है। मंदिर तो उस पार है। ए, चल उठ, अभी अभी इतना और जाना है। ना, हमसे नहीं होगा।
रमा चलो यहाँ, चलो यहाँ, देख ज्यादा दूर नहीं है, उठना। ना, हमसे नहीं होगा, ना। हमरा बचवा। अरे उठना, उठ हम कहते हैं। रमा, ओ रमा। ना। अरे ना क्या कहती, चलो बात तो होना ही पड़ेगा ना, उठ, हिम्मत कर, ले, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, चल। रमा, ओ गाभिन सुवरिया को जरा संभाल। हुआ, वो लोग आ रहे हैं। देखो वो आ रहे हैं। मदन हुआ, ये दोनों सकेगा ना रे? हाँ बाबू, ये लोग बहुत मजबूत लोग हैं, मुसर जात है ना, ये लोग सुअर जानवर को खूब जानता है। गाभिन सुअरिया की ही ज्यादा चिंता है, उसको पार कराना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। Uh-huh.
आओ। शाबाश। ले धर धर दस पंद्रह बीस ठीक है खुश। और 2 रुपया ले बख्शीश। भारी काम था। आज तुम लोग जाओगे कहाँ? पता नहीं। अरे मदनुआ, इन लोगों की रात में झोपड़ी में रहने का बंदोबस्त करो, समझे? प्रणाम, प्रणाम। बुधवा के बाबू बच्चा हिलता डुलता नहीं। कहा बोलती है तू? चलो देखो कुछ हो तो नहीं क्या? सुनाता है बुधवा के बाबा? कुछ सुनाता है? हाँ, वो नहीं बचा, वो नहीं बचा। हमरा बच्चा, हमने कहा था ये काम हमसे नहीं करा। हमरा बच्चा
बच्चा चाहिए, हमको हमारा बच्चा चाहिए। सुना था, साफ सुना था। जिंदा है,